हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जो बच्चे क्लास 12 में इंटीग्रेशन का चैप्टर जिन्होंने शुरू किया है, आज हम एक्सरसाइज 7.2 की बात करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20। टॉपिक सेम है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, किस तरह से हम इंटीग्रल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4। मैंने इस तरह से बादलों की शेप देकर सब्स्टिट्यूट के लिए ये जगह स्पेशली बनाई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन सा फंक्शन है, कौन सी टर्म है जिसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है। मैं एक छोटा सा हिंट देना चाहूंगा कि या तो आप स्क्वायर रूट को पूरे को टी सब्स्टिट्यूट कर लो, या डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हो उसको टी पुट करो। कुछ इस तरह से शर्तें बनानी है। आप जब क्वेश्चंस को लगातार देखोगे तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि हमें किस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के कारण हमें प्रॉब्लम दिख रही है। हमने एक्स प्लस फोर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस फोर को टी पुट किया, टेकिंग स्क्वायर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। मतलब कहें कि एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस फोर, क्योंकि न्यूमिरेटर में हमारे पास एक्स भी है, हमने इसकी भी वैल्यू को पुट करना है। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी हैव डीएक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर का मतलब 2t इंटू dt। तो अब ये जो हमारा क्वेश्चन था, ये अभी तक हमने एक रफ वर्क एक तरह से किया है, लेकिन जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इसको रफ वर्क ना कहते हुए इसको साथ साथ में आपने दिखाना भी है। तो ये हो गया हमारे पास एक्स का मीनिंग हुआ टी स्क्वायर माइनस फोर, यहाँ से हमने पिक किया, और डिनोमिनेटर को हमने टी पुट किया था, और डीएक्स को हम देख चुके हैं 2t इंटू dt। अगले स्टेप में ये टी और डिनोमिनेटर में टी दोनों कैंसिल हो गए, टू अकेला बचेगा। तो अब हमारे पास टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन जो है टी रेज टू पावर 3/3, और फोर की इंटीग्रेशन 4t। दिस इज टू आउटसाइड एंड दिस सी इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो वी हैव नाउ 2 × t^3/3 −4 × 2 = 8t। अब लास्ट में जो हमारा है टी की ओरिजिनल वैल्यू जो कि थी एक्स प्लस फोर इट्स स्क्वायर रूट, तो हमने उसको सब्स्टिट्यूट किया होल रेज टू पावर 3 − 8 × सेम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस फोर प्लस सी द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कई बार ऐसा होता है कि वीडियो हमें मोबाइल फोन में अच्छी तरह से दिखता नहीं है, तो इसके राइट साइड में तीन डॉट्स बने हुए हैं, वहां से आप अपनी वीडियो क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स रेज टू पावर 3 − 1 होल रेज टू पावर 1/3 × x^5 dx। देखो, जो मेन हमारा है क्वेश्चन, वो सब्स्टिट्यूट किस टर्म को करेंगे, सब्स्टिट्यूट हम किस फंक्शन को करेंगे, वही सबसे मेन होता है। तो जैसा कि आपको बताया गया, जो सर्ड है, सर्ड का मतलब स्क्वायर रूट के बीच में, या फिर क्यूबिक, या फिर 1/4 रूट, जो भी है हमारा, हमने इसी को ही टी पुट कर लिया। जो बीमारी थी उसी को ही हमने टी पुट किया। तो 1/3 क्योंकि एक्सपोनेंट था, इसलिए क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो टी रेज टू पावर 3 बन जाएगी। तो एक्स रेज टू पावर 3 की वैल्यू हमें टी पावर 3 + 1 मिल चुकी है। अब हम अगला स्टेप, जब भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, नेक्स्ट स्टेप रहता है हमारा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो एक्स रेज टू पावर 3 का मीनिंग हुआ 3x² × dx इज इक्वल टू 3t² × dt। तो इस तरह से हम कहें कि dx की वैल्यू 3
दोनों आपस में कैंसिल हो चुके हैं, टी स्क्वायर इंटू डी टी, और ये हमने एक्स स्क्वायर को डिनोमिनेटर में लिखा। तो इस तरह से हम डी एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर डी टी अपॉन एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पर इसकी वैल्यू थी टी एक्स रेज टू पावर 5 एज इट इज। नाउ टी इंटू टी स्क्वायर की वैल्यू हो चुकी है टी पावर 3, एक्स पावर 5 और एक्स पावर 2 कटने के बाद एक्स पावर 3 बचा है। अब एक्स रेज टू पावर 3 का मीनिंग था टी रेज टू पावर 3 प्लस 1, उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया। जो अब ये बाहर टी रेज टू पावर 3 है, इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, टी रेज टू पावर 6 प्लस टी रेज टू पावर 3 बन चुका है। टी रेज टू पावर 6 की इंटीग्रेशन होती है टी रेज टू पावर 7 अपॉन 7 प्लस टी रेज टू पावर 3 की इंटीग्रेशन है टी पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लास्ट में जाकर हम टी की जो ओरिजिनल वैल्यू थी, मतलब एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 1 होल रेज टू पावर 1 अपॉन 3, वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1 अपॉन 3 बन जाएगा 7 अपॉन 3, बिकॉज पावर हमारे पास 7 थी। तो एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 1 होल रेज टू पावर 1 अपॉन 3 की जगह होल रेज टू पावर 7 अपॉन 3 होल अपॉन 7। इसी तरह से टी रेज टू पावर 4, मतलब एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 1 होल रेज टू पावर 1 अपॉन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, होल डिवाइड 4 प्लस सी। सो दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। एक साथ पूरी एक्सरसाइज को एक ही वीडियो में दिखाने से वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाता है, कई बार डाउनलोड करने में समस्या रहती है, इसलिए मैंने इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। पूरी एक्सरसाइज को हम तीन पार्ट्स में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 एक्स रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 3 डीएक्स। तो सबसे पहले वही बात, डिनोमिनेटर यहाँ पर एक समस्या है, 2 प्लस 3 एक्स रेज टू पावर 3 को हम टी पुट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2 डेरिवेटिव 0 हो गया, 3 एक्स रेज टू पावर 3 इसका डेरिवेटिव हुआ 3 इंटू 3 9, सॉरी गलत लिखा है, तो ये 9 यहाँ पर नीचे लिखेंगे, तो हमारे पास बन रहा है dx is equal to dt upon 9x square। तो पूरे क्वेश्चन में x square as it is, इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया t, t raised to power 3 और dx की वैल्यू हमने लिखी dt upon 9x square। तो x square दोनों कैंसिल हो गए, 1 upon 9 को हमने बाहर लिख लिया, तो dt upon t raised to power 3, डिनोमिनेटर का टी रेज टू पावर 3 न्यूमिरेटर में जाकर टी रेज टू पावर माइनस 3 हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना बड़ा इजी है, पावर में प्लस 1 करेंगे और वही सेम पावर को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 प्लस सी। इस तरह से आंसर आया 1 अपॉन 9, 1 अपॉन 9 t raised to power minus 2 upon minus 2 plus c, मतलब minus 1 upon 18, 9 into 2, 18, t square नीचे आ गया, positive हो गया, plus c, minus 1 upon 18 into t की जो original value थी, वो है 2 plus 3 x power 3, वो हमने put किया, substitute किया, whole square plus c, so this is the final answer to the question। प्यारे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 1 अपॉन x इनटू log ऑफ x होल रेज टू पावर m। तो जैसा कि डिस्कस किया जा रहा है, सबसे पहले बीमारी को ढूंढना है जिसे कि हम सब्स्टिट्यूट करेंगे log ऑफ x, यही एक हमें सबसे मुश्किल लग रहा है, तो इसी को हमने t पुट कर लिया। अगला स्टेप है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो log ऑफ x का डेरिवेटिव कितना हुआ, 1 अपॉन x, और t का मतलब हो गया dt upon dx। तो इस तरह से dx is equal to x यहाँ पर चला गया, x into dt। तो ये दोनों बातें हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 का मतलब 1, x का मतलब x, log x का मतलब हमने t पुट किया, होल पावर थी m, और dx की वैल्यू को हमने x into dt पुट कर लिया। अब ये x x कैंसिल हो गए,
टी रेज टू पावर एम अकेला रहेगा डिनोमिनेटर में, जो कि अगले स्टेप में न्यूमिनेटर में जाकर माइनस एम हो जाएगा, और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में एक प्लस करना है, माइनस एम प्लस वन, माइनस एम प्लस वन वही डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, प्लस सी विच इज कॉल्ड द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस वे वी हैव, लास्ट में हमने टी की जो ओरिजिनल वैल्यू थी लॉग ऑफ एक्स, वो हमने यहाँ पर पुट करनी है, लॉग ऑफ एक्स होल रेज टू पावर माइनस एम प्लस वन अपॉन माइनस एम प्लस वन प्लस सी। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन 9 - 4x² इंटू डीएक्स। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर पूरा का पूरा हम सब्स्टिट्यूट करते हैं टी, देखते हैं कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो 9 का डेरिवेटिव 0, 4x² का डेरिवेटिव 8x, तो -8x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। सो यहाँ से dx की वैल्यू हम लिखेंगे dt अपॉन -8x, जो गिवन क्वेश्चन है। देखो मैंने जैसा कि कहा था, बादलों में जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं सिर्फ वही टर्म लिख रहे हैं जो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, असली क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है। गिवन स्टेटमेंट के बाद एक्स एज इट इज, और डिनोमिनेटर को हमने डी पुट कर दिया था, डीएक्स का मतलब हो गया डी टी अपॉन माइनस एट एक्स। अब क्या करेंगे, इस एक्स को इस एक्स के साथ कैंसिल आउट किया, तो इस तरह से हमारे पास बचा माइनस वन अपॉन एट इंटू टी इंटू डी टी। सो माइनस वन अपॉन एट को हमने आउटसाइड इंटीग्रेशन के बाहर लिखा, वन अपॉन टी की इंटीग्रेशन अगले स्टेप में लॉग ऑफ टी प्लस सी। तो टी की ओरिजिनल वैल्यू जो थी 9 - 4x² हमने अगले स्टेप में सब्स्टिट्यूट की, माइनस वन अपॉन एट लॉग ऑफ 9 - 4x² प्लस सी। सो दिस इज द आंसर टू अवर क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, अक्सर ये कहा जाता है कि इंटीग्रेशन जो है बहुत ही टफ एक चैप्टर का नाम है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो बच्चा एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 को अच्छी तरह से कर लेगा, तो उसके लिए इंटीग्रेशन लगभग एक खेल की तरह हो जाएगी। तो 7.2 एक्सरसाइज का आज ये दूसरा वीडियो जो आप देख रहे हैं, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। तो e रेज टू पावर एक्स, हमने जैसा कि डिस्कस किया था, e रेज टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन e रेज टू पावर एक्स होती है, लेकिन यहाँ बीमारी का नाम है 2x+3। e रेज टू पावर एक्स की जगह ये बड़ा बड़ी टर्म लिखी हुई है, तो हम इसी को ही टी पुट करते हैं, 2x+3 को हमने टी पुट किया। सो अगला स्टेप है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वी गेट 2x का डेरिवेटिव 2, 3 का डेरिवेटिव 0, t का डेरिवेटिव हो गया dt अपॉन dx। इस तरह से dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2 हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। ये वैल्यूज हम दोनों गिवन क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। e रेज टू पावर 2x+3 की जगह हमने लिखा e रेज टू पावर t, और dx की वैल्यू को यहां से हमने पिक किया dt अपॉन 2। तो इस तरह से नेक्स्ट स्टेप में हम 1/2 को हम कांस्टेंट है क्योंकि ये बाहर लिख सकते हैं, तो हमारे पास बचा e रेज टू पावर t dt। अब हम जानते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में डिस्कस किया था, e रेज टू पावर t की इंटीग्रेशन e रेज टू पावर t ही रहती है, प्लस c एक साथ में नया टर्म जुड़ जाती है जिसे कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आंसर फाइनल 1/2 e रेज टू पावर t की जो वैल्यू थी 2x+3 हमने सब्स्टिट्यूट की प्लस सी। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, मैं वैसे तो लिखकर हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता था, राइटिंग बोर्ड के ऊपर लिखते हुए आपको समझाना चाह रहा था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज जो भी मेरे पास अवेलेबल है घर में, तो उसके साथ जितना बन पा रहा हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चंस को आप तक पहुँचाने की, अच्छी तरह से उनको सॉल्व करके, उनको इलेबोरेट करके आपको समझाया जा सके। तो आज का ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एक्स अपॉन ई रेज टू पावर x² इंटू dx। तो यहाँ पर बीमारी वही है कि डिनोमिनेटर में ई रेज टू पावर एक्स अकेला होना चाहिए था, लेकिन ये है एक्स स्क्वायर।
इसलिए हमने एक्स स्क्वायर को हमने टी पुट कर दिया। तो अब अगला स्टेप है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हुआ 2x, तो 2x इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव dt अपॉन dx। तो इस तरह से हम लिखेंगे dx इज इक्वल टू dt अपॉन ये 2x डिनोमिनेटर। तो ये था हमारा रफ वर्क। असली क्वेश्चन है हमारा यहाँ से x एज इट इज e रेज टू पावर x स्क्वायर, जो कि हमारे पास प्रॉब्लम थी, हमने यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट किया t, और dx की वैल्यू अकॉर्डिंगली चेंज हो चुकी है, dt अपॉन 2x बन चुकी है। अगले स्टेप में हम इस x को डिनोमिनेटर के इस x के साथ कैंसिल करेंगे, तो बचेगा dt अपॉन 2 इंटू e रेज टू पावर t। 1 अपॉन 2 को हम आउटसाइड ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, e रेज टू पावर माइनस t इंटू dt। अब एक और समस्या हमारे पास पैदा हो गई, e रेज टू पावर माइनस t। अकेला प्लस टी होता तब तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता। तो हम अगेन माइनस टी को एक नया वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। माइनस टी को हमने यू पुट किया, तो माइनस टी का डेरिवेटिव माइनस वन हुआ, यू का डेरिवेटिव डी यू अपॉन डी टी हो गया। तो डी टी मतलब कहने का माइनस डी यू बन चुका है। अब इस क्वेश्चन में हम वन अपॉन टू एज इट इज e रेज टू पावर माइनस टी को हम लिख रहे हैं u, और डी टी बन चुका है माइनस डी यू। तो इस माइनस को हम बाहर लिखेंगे, माइनस वन अपॉन टू e रेज टू पावर u इंटू डी यू। तो e रेज टू पावर x की इंटीग्रेशन सेम रहती है, उसी तरह से e रेज टू पावर u की इंटीग्रेशन भी सेम रहेगी, प्लस c द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब u की वैल्यू क्या थी, माइनस टी हमने पुट कर दी, लेकिन उसके अगले स्टेप में t की वैल्यू क्या थी, x स्क्वायर, वो भी पुट कर ली, तो प्लस c। सो माइनस वन अपॉन टू e रेज टू पावर माइनस x स्क्वायर प्लस c इज द आंसर, फाइनल आंसर टू अवर क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। आप पहले खुद इसको क्वेश्चन को देखें, समझें। e रेज टू पावर टेंजेंट इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। वैसे क्वेश्चन में ही सब कुछ छिपा रहता है। अगर आपने डिफरेंशिएशन का चैप्टर अच्छी तरह से किया है तो हमें पता होगा कि टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव जो है 1 अपॉन x स्क्वायर होता है। इसलिए यहाँ पर सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि किसको क्या सब्स्टिट्यूट करना है। tan इनवर्स x को हमने t पुट किया, सो अगला स्टेप डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू dt अपॉन dx, मतलब dx इज इक्वल टू dt इनटू 1 प्लस x स्क्वायर। ये दो वैल्यूज हमने गिवन क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करनी है। e रेज टू पावर tan इनवर्स x, tan इनवर्स x को t पुट किया, डिनोमिनेटर था 1 प्लस x स्क्वायर, और dx की वैल्यू को हमने पुट किया यहां से dt into 1 plus x square। अब ये न्यूमिरेटर में 1 plus x square, डिनोमिनेटर में 1 plus x square दोनों कैंसिल हो गए, बच गया e raised to power t dt। अब e raised to power t की इंटीग्रेशन तो सेम वही है, तो इस तरह से e raised to power tan inverse x plus c is the final answer। So बच्चों, आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन देखने में मुश्किल है, लेकिन जैसे ही हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई किया, क्वेश्चन बड़ा ही इजी हो गया। अगला क्वेश्चन है, e रेज टू पावर 2x माइनस 1 अपॉन e रेज टू पावर 2x प्लस 1 dx। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट किसको किया जाए, ये थोड़ा सा टेढ़ा है। इस स्टेप को आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अपने दिमाग में रखेंगे कि हमने न्यूमिरेटर को e रेज टू पावर x से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को भी हमने e रेज टू पावर x के साथ डिवाइड किया। तो अब हमारे पास e रेज टू पावर 2x अपॉन x का मतलब x, 1 अपॉन e रेज टू पावर x का मतलब e रेज टू पावर माइनस x। डिनोमिनेटर में भी सेम है, e रेज टू पावर x, माइनस की जगह प्लस का साइन है, तो e रेज टू पावर माइनस x। अब हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन को देखकर डिनोमिनेटर में जो भी लिखा है उसको हम एफ ऑफ एक्स का नाम दे देते हैं। देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x।
अब डिफरेंशिएट करें अगर हम, तो ई पावर एक्स का डेरिवेटिव सेम है, लेकिन ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स है, तो ये हो गया एफ डैश एक्स। मतलब कहने का, इन शर्तों को अगर हम क्वेश्चन में देखें तो डिनोमिनेटर जो है वो एफ ऑफ एक्स है और न्यूमिनेटर जो है वो एफ डैश एक्स है। सो सीधा फॉर्मूला जो है हमारे पास, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी हम पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स की ओरिजिनल वैल्यू ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स हमने पुट की प्लस सी, सो दिस इज द फाइनल आंसर। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 19 से मिलता जुलता है, लेकिन ये क्वेश्चन उससे थोड़ा सा ज्यादा इजी है। कारण उसके पीछे, क्योंकि डिनोमिनेटर को हम यहाँ डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स लेकर चल रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट एफ एक्स हो गया एफ डैश एक्स, और ई रेज टू पावर 2x का डेरिवेटिव 2 इंटू ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 2x। तो दोनों में हमने 2 कॉमन लिया, तो ई रेज टू पावर 2x माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2x, इस तरह से ये हम कह सकते हैं। न्यूमिरेटर में ई रेज टू पावर 2x माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2x को हम क्या पुट कर रहे हैं, एफ डैश एक्स अपॉन 2, और डिनोमिनेटर जो था वो एफ ऑफ एक्स है इंटू डी एक्स, सो 1/2 को हमने कॉमन लिया। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन चुका है एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, जिसका मतलब होता है इंटीग्रेशन सॉल्व करने पर लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, एफ ऑफ एक्स की ओरिजिनल वैल्यू ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2x हमने सब्स्टिट्यूट की, तो ये था हमारा फाइनल आंसर। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा और साथ साथ में रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स इफ यू लाइक द चैनल। थैंक यू वंस अगेन।